हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेली स्पार्कली में। आज हम जानेंगे हाउ टू कॉपी एंड पेस्ट इन टेली ERP 9। किसी भी टेली ERP 9 सॉफ्टवेयर में हम कॉपी एंड पेस्ट कैसे करें, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको कंपनी सेलेक्ट करना है। कंपनी सेलेक्ट करने के लिए आपको Alt F3 यूज़ करना है। Alt F3 आप जैसे यूज़ करेंगे तो आपको सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन आ जाएगा जिस कंपनी में आपको काम करें। जैसे कि मान लीजिए मैं रेने पावर में काम कर रहा हूँ। एंड देन आपको सब इसके बाद कंपनी सेलेक्ट करने के बाद आपको करना रहेगा आपकी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर चेंज। ऑटोमेटिक भी आता है, आपको चेंज भी करना रहेगा। जैसे कि आपकी 3-4 साल से कंपनी चलती आ रही है, जिस कंपनी में आपको वर्क करना है, जिस ईयर में वर्क करना है, वो आप ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि Alt F3 प्रेस करता हूँ मैं, तो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 ये मैंने अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज कर लिया है। अब अगर मुझे कॉपी पेस्ट करना है तो देखिए दोस्तों, नॉर्मली अगर हम किसी भी एक्सेल सीट पे या कहीं मतलब अपना टे कहीं भी अपन को पेस्ट करना रहता है या कॉपी करना रहता है, तो Ctrl C से कॉपी हो जाता है एंड Ctrl V से पेस्ट हो जाता है। लेकिन टेली ERP 9 में एक अलग फीचर से, देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपको जैसे कि नॉर्मल मैं परचेस एंट्री खोल लेता हूँ, अपनी मार्च ही खोल लेता हूँ। जैसे कि ये सब मैंने ट्रेडर्स खोल लिया। देखिए मैं आपको बताता हूँ कॉपी एंड पेस्ट करना। देखिए दोस्तों, मैं आपको नरेशन में समझाता हूँ। यहाँ पे नरेशन आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे समझाता हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना नाम, DVNDR देवेंद्र देवेंद्र विश्वकर्मा। अगर मुझे इसको कॉपी करना है तो Ctrl Alt एंड C प्रेस करूँगा तो ये मेरा कॉपी हो गया है। अब देखिए जैसे कि मैं बैक जाता हूँ एंड देन दूसरी एंट्री खोलता हूँ। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं नरेशन में आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, और अभी मैंने कुछ टाइप भी नहीं किया है। जैसे ही मैं Ctrl Alt एंड V करूँगा तो मेरा नाम यहाँ पे देवेंद्र विश्वकर्मा पेस्ट हो चुका है। तो वहाँ से Ctrl Alt C से कॉपी हो गया था और यहाँ पे Ctrl Alt V से पेस्ट हो गया। तो दोस्तों ये बहुत आसान तरीका है कॉपी एंड पेस्ट करने का। अभी जो टेली प्राइम आया है उसमें सिंपल अल्टर का ऑप्शन हटा दिया गया है। वहाँ से Ctrl C से कॉपी हो जाता है, Ctrl V से पेस्ट हो जाता है। लेकिन टेली ERP 9 ये वाला जो सॉफ्टवेयर है इसमें Ctrl Alt C से ही कॉपी होता है, Ctrl Alt V से ही पेस्ट होता है। तो दोस्तों ये था कॉपी एंड पेस्ट करने का बहुत ही आसान तरीका। थैंक यू दोस्तों।